इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एपिक में आपके साथ में हेल्थ की अपडेट की बात करें तो बीती रात अशोकनगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर के कई इलाकों में ओलावृष्टि की हुई है। इसका जायजा लेने के लिए अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी खेतों में पहुंचे। उनके साथ में प्रशासनिक अमला भी रहा। अशोकनगर विधानसभा के कई गाँवों में विधायक पहुंचे हैं। खेती का जायजा लेने के बाद विधायक जज्जी का कहना है कि कई इलाकों में 60 से 100% तक की फसल का नुकसान हुआ है। अधिकारियों को सर्वे निर्देश दिया जाए और कहा कि अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो जरूरत पड़ने पर वह किसान के साथ सड़कों पर बैठ जाएंगे। इस दौरान विधायक को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल बीते 2 वर्ष से मुआवजा एवं राहत न मिलने के कारण किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों के नियत पर सवाल उठाया है। किसानों का कहना है कि 2 वर्ष से लगातार उनके सर्वे होते हैं मगर मुआवजे के नाम पर हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है। इसको लेकर विधायक जज्जी ने कहा कि अधिकारियों को सही सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। इस बार अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो जरूरत पड़ने पर वह किसानों के साथ सड़क पर बैठ जाएंगे। विधायक ने किसानों को बताया कि इसके लिए कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।